हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस, स्टंबल गाइस का न्यू क्लोज बीटा 0.50 वर्जन हम लोग को मिल चुका है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या नई चीजें आई हैं गाइस। तो सबसे पहली चीज तो इसमें इनहेंस्ड मैच मेकिंग आने वाली है गाइस। इसका मतलब कि मैच मेकिंग अब लेवल्स के हिसाब से भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप बहुत सारे मैच हार रहे हो तो आपको थोड़ा कम लेवल दे देंगे ताकि आप एक आध क्राउन जीत जाओ, या फिर अगर आप बहुत सारे क्राउन जीत रहे हो तो फिर आपको अच्छी लॉबी देते रहेंगे। ऐसा इन लोग के हिसाब से AI काम करेगा तो ऐसी मैच मेकिंग आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज, न्यू स्किन्स आई हैं और हमारा जो पुराना IP इंटीग्रेशन आने वाला था वो भी आया है और वो है रैबिट स्पेशल गाइज। तो रैबिट्स का जो इंटीग्रेशन हुआ था वो फिर से हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले देखने को मिल जाती है डायमंड रैबिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद है गाइज रॉयल रैबिट, जो कि एक राजा वाला रैबिट है। सारी रैबिट्स की ही स्किन आई है, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारी लूचर्ड और रैबिट, जो कि एक रेसलर रैबिट है, जो अपने मेक्सिको में रहते हैं ना रेसलर्स, उन लोग को लूचर्ड और भी बोलते हैं उनमें से बहुत सारों को। और एक और रैबिट है हमारी पायरेट रैबिट गाइज, तो ये है वो पायरेट रैबिट। तो ये 5 स्किन्स आई हैं और एक एनिमेशन और आया हमारे पास, जो कि हमारा फायरवर्क्स का एनिमेशन, और कुछ फुटस्टेप्स भी आए हैं गाइज, जो कि अलग अलग झंडे हैं, और एक लाइट स्पीड का फुटस्टेप आया है। फिर आए हैं गाइज 3 न्यू लेवल्स। पहला लेवल है हमारा शार्क्स, जो कि शायद परमानेंट लेवल नहीं होगा क्योंकि ये बॉम्बार्डमेंट का ही एक मॉड वर्जन है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है, पायरेट टाइप बना दिया है। ओके, तो मैं समझ गया ये पायरेट रैबिट के लिए हो सकता है शायद से, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो शार्क्स आ रहे हैं, बगल में ये क्या बोलते हैं अपन इनको, वेसल्स ये रखे हैं, ठीक है। अब ये वेसल्स का भी काम है गाइस। देखो जो रेड वाले ना, ये फटते हैं और वो फट भी रहे। ये क्या है भाई, कल भी मैं ऐसी ग्लिच से बाहर हो गया था, रुको। और फिर से आ गए हम लोग, इस बार मैं इमोट भर के ले आया हूँ, सबको बाहर कर दूंगा जल्दी जल्दी। तो गाइस ये जो रेड वाले वेसल्स हैं ना, ये फटते हैं, ठीक है। जो ब्राउन वाले हैं ये अभी तक मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। और यहाँ पे कुछ शार्क्स आती है, जैसे उसमें बॉम्ब फेंकते थे यहाँ पे बोट शार्क्स फेंकती है, और एक नीचे से भी एक शार्क आता है जो ये अभी आया। इसका मुझे अभी लॉजिक समझ नहीं आया, शायद इससे टकराएंगे तो आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सर्वाइव करते हैं और इन लोग को जल्दी जल्दी बाहर करते हैं। और ये तो फटेगा नहीं, वैसे फटेगा लेकिन पता नहीं कब फटता है, थोड़ा शायद शेक मारता है ये रेड वाला, उसके बाद ही फटता है। अभी फटने का कोई मूड लग नहीं रहा है और ये लोग को भी बाहर होने का मन है नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बाहर कर दूंगा। अभी क्या है, अभी अपना मोबाइल होता तो बाहर हो जाते, लेकिन इसमें लग ही नहीं रहा है, लेकिन मारता हूँ गाइस। ये देखो बगल में फिर से शार्क आया, और ऐसा क्यों लग रहा है कि शार्क की स्पीड और साइज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा है क्या। नीचे से जो शार्क आ रहा है, एक शार्क बगल में भी कूद रहा है गाइस, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये भी आप देखते रहो, और नई चीज़ें दिखेंगी शायद हमें। बस हम लोग फाइनल तक आ चुके हैं, यहाँ पर टाइमर भी आ चुका है, तो जल्दी से इन लोग को बाहर करना पड़ेगा वरना ड्रॉ हो जाएगा या फिर कोई नहीं जीतेगा। चलो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही कम टाइल बची यार, उस साइड पे जो खड़े हैं ना उन लोग के पास खतरनाक टाइल है, एक ही टाइल पे शायद 4 लोग खड़े हैं। चलो इनको तो बाहर कर दिया। ये गाइस देखो कितना बड़ा शार्क आया है, अब इसका यूज़ क्या है भाई, मतलब क्या है ये, पानी में आ रहा है तो इसके ऊपर तो कोई चढ़ेगा नहीं, ऐसी ये शोकेस के लिए क्या। और मेरे बगल की टाइल्स खाली हो गई यार, अब मैं कहाँ जाऊँ, ये क्या हो रहा है। और ये शार्क की आंखें भी चमक रही हैं गाइस, देखो ये जो शार्क के स्केलेटन फेंक रहे हैं भाई। अब तो एक ही तरीका है, मेरे को इन वेसल्स को ट्राई करना पड़ेगा। ओके, इस पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये नीचे डूबता है, समझ गया मैं। अच्छा, जितनी देर खड़े रहोगे ये नीचे डूबेगा और फिर हम लोग बच सकते हैं गाइस, समझ गया। और उसके बाद ये ऊपर भी आ जाएंगे। ओके, और ये हमारा सेकेंड मैप गाइस, बरीटो बोनांजा, जो कि मुझे बेस्ट लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैप है। बस आप देखते जाओ, देखो इसमें पूरा जो बरीटो बनने का प्रोसेस है ना वो दिखाया है इन लोगों ने, और उस प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे। तो ये देखो ये जो बरीटो घूम के आ रहा है ना, इसके आपको होल से टाइमिंग मैच करनी है ताकि आप सीधे अंदर जा सको, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे नीचे फ्रेंच फ्राइज बन रही है और ऊपर आप देख सकते हो हैमर रखे हैं, ठीक है। तो मैं पिछली बार ऊपर से गया था, अपने दूसरे चैनल पे वाली वीडियो भी देख लेना, और इसमें मैं जा रहा हूँ नीचे से, ठीक है। अब ये पार्ट मुश्किल है गाइस, इसमें साइड से बरीटो रोल होते हुए आ रहा है, और ये जो है ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्या सॉस है, केचप है, जो भी है, इससे कैसे निकलते हैं मुझे अभी तक समझ आया नहीं। क्योंकि अच्छा ये जब नीचे जाएगा शायद तभी निकल सकते हैं, वरना कोई ट्रिक नहीं लग रही इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से गए, ये क्या कॉर्न पकड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सैलेड ही सैलेड रखे हैं गाइस, और नमक मिर्च भी रखी है। पिछली बार मैं ऊपर से गया था, इस बार नीचे चलते हैं। ये क्या मैग्नेट है, मुझे लगा ये ब्रेड है,
इसने लेकिन नीचे खींच लिया गाइस, लेकिन ओके यहाँ पे बच गए। और यहाँ पे जो लावर इसकी बॉल से ये भी उचक रही है, क्योंकि भाई ये गर्म तवे पे जल रहा है ना, तो यहाँ पे आग आना तो यार बनता ही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब अगर आप ऊपर से जाओगे तो आपको चीज़ के ऊपर जाना, और ऊपर वाला रास्ता भी मज़ेदार है गाइस। ये देखो, ये पका हुआ बरीटो यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपको जंगल रोल की तरह जाना पड़ेगा गाइस। कितना मस्त लेवल बनाया यार, आप ही बताओ यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 10 out of 10 भाई, बहुत ही मस्त लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला जो पार्ट है ये सबसे मुश्किल हो भी सकता है और सबसे ईजी भी हो सकता है, बस आपको टाइमिंग मैच करनी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केचप सॉस निकल के आएंगे, और आपको कैसे भी करके इनसे बचते हुए निकलना है। और यहाँ पे इतना मुश्किल लेवल था कि मैं बॉट से भी हार चुका हूँ। और ये है हमारा फाइनल मैप गाइस, एलिमिनेशन बेस, जो कि ब्लास्टर बेस का थोड़ा सा ऑपोजिट होने वाला है। अब इसमें देखो क्या है, मैं बताता हूँ। इसमें देखो टाइमर पे चलेगा लेवल, वो तो सेम है। ठीक है, फिर ऑल प्लेयर्स विल बी एबल टू रिस्पॉन व्हेन दे आर डिफीटेड, मतलब कि जैसे आप आउट हो जाओगे तो आप रिस्पॉन हो जाओगे इसमें, मतलब पूरा खेलने वाले हो। ठीक है, साइड में आपको लीडर बोर्ड दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो किल्स का लीडर बोर्ड है। जो लीडर बोर्ड है ये किल्स के ऊपर बनता है। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा किल्स वो सबसे ऊपर। ठीक है, और अगर टाई होता है किल्स में तो ये देखा जाएगा कि सबसे कम बार कौन आउट हुआ, तो इससे विनर डिसाइड हुआ। तो ये बहुत सही किया भाई इन लोगों ने, बहुत छुपन छुपाई हो जाती है ब्लास्टर बेस में। मैं तो कह रहा हूँ हटा दो इसका कलर ब्लास्टर बेस जैसे करो, पहले तो इसमें कुछ दिखाई पड़ने रहा है। ठीक है, और ये लेवल में गाइस हील जो है बहुत कम है, मैंने देखा है गाइस, देखो जो हील है ना उसका टाइमिंग बहुत कम है। वैसे तो हील ही हील दिखती रहती थी, शील्ड ही शील्ड दिखती रहती थी, अब इन लोगों ने इसमें सही किया। इसमें ज़्यादातर ग्रीन वाली जो अपनी हेल्थ है वो मिल रही है, शील्ड कम है लेकिन बहुत धीरे धीरे भी आ रही है, तो ये सही है गाइस, है ना। और बहुत सही लगा मुझे, तो यही रखना था भाई, ब्लास्टर बेस को चेंज करके ये कर सकते हो। ठीक है, अब आज मैं खेल रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा पीसी में, तो काफ़ी मैं बेटर खेल पा रहा हूँ फ़ोन से। और अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को उठानी है गाइस ये क्या नाम था इसका, टर्बाइन ना, जिसमें 18 गोली रहती है, और दूर से बस किल चुराते जाना है, यही करना है। इसमें किल चोरी का गेम है गाइस पूरा। ठीक है, 1-on-1 फाइट भी आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन जीतेगा वही जिसके किल सबसे ज़्यादा है। अब कल वाले वीडियो में जो सेकंड चैनल पे मेरी डली है उसमें शायद से मैंने 14-15 किल कर दिए थे भाई तुक्के में, आज देखते हैं कितने होते हैं। और इसमें बचना भी थोड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि यार हील इतनी है नहीं, तो जाहिर से बात है कि आप आउट हो गई, बस जिसके सबसे ज़्यादा किल वो जीत जाएगा, और ये ही अच्छा होता है गाइस। किल ही तो मैटर करता है भाई शूटर गेम में, सर्वाइवल थोड़ी मैटर करता है, एट द लास्ट किल्स मैटर करनी चाहिए, इसमें कुछ और ही हो रहा था अब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो चुका है बहुत सारा काम, और ये लो लास्ट बंदे को भी उड़ा दिया, 8 किल हो चुके हैं मेरे बॉट्स के अगेंस्ट। जैसे बॉट्स से पता नहीं क्यों मैं कम्पीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी ठीक है, टाइमर बहुत ज़्यादा है इसका, बहुत लंबा चलने वाला है लेवल। तो गाइस जब तक मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ, पहली चीज़ देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, एक गेम मोड आने वाला था, वो पता नहीं ये लोग नहीं लाए, या फिर गेम मोड यही गेम मोड है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई पता ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो गेम मोड क्या है मैंने अभी पूछा है, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या है वो गेम मोड। और दूसरी चीज़ गाइस, जो आपका इन्फिनाइट मैप लोडिंग ग्लिच हो रहा है उसके बारे में पूरी स्टंबल गाइस टीम को पता है, और वो फिक्स कर रहे हैं। अब यार देखो इतनी आसान चीज़ होती नहीं कि ऐसे ही फिक्स हो जाए, है ना, अभी मैं सबको बता रहा हूँ ना, सुन लेना। ठीक है, इसलिए गाइस वो धीरे धीरे फिक्स होगा जैसे जैसे वो काम कर जाएंगे। अब अपन तो जाके कर सकते नहीं है, ठीक है, कोडिंग अपन को आती नहीं है, और उनके पास इतनी बड़ी कंपनी है, तो सोचो ना उन्हें बहुत ही बड़े कोडर बिठाए होंगे, अब उनसे ही नहीं हो रहा तो फिर किससे होगा गाइस। तो धीरे धीरे वो कर देंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि उन्हीं का गेम गिरेगा ना यार स्टंबल गाइस अगर फिक्स नहीं किया तो इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे, बस आप वेट करते रहो। और जब तक अगर स्टंबल गाइस चल ही नहीं रहा आपका, बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो कुछ और खेल लो जब तक, तो बाकी अपन वेट करेंगे जब तक कि गेम आ जाए ढंग से थोड़ा। मुझे लगता है कि यार बीटा में शायद फिक्स कर दे, जैसे ही बीटा आएगा परसों ही आ जाएगा शायद, तो उसमें आप देख लेना कि फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो 17 किल हो चुके हैं हमारे, एक बार रिस्पॉन हुआ हूँ मैं बस। ठीक है, ये बंदा तो मरेगा नहीं 7 सेकंड में, तो 17 किल में ही लगता है खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड गाइस, पबजी जैसे हो गया यार, यहाँ तो 17 किल पबजी में नहीं होते थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यही था जो पूरे अपडेट में आया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले स्टंबल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।